मुबारक, ईद मुबारक, सब लोगों को हमारा ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सब लोगों को हमारा ईद मुबारक। तीन वक्फे के बाद दोबारा हम आपको खुशामदीद कहते हैं। राणा साहब, वक्त से पहले बात हो रही थी कि रांची के हालात के मुताबिक ईद रात उन्होंने ईद चांद रात जो है बड़े अच्छे तरीके से मनाई, लोगों के चेहरों पे खुशियां आया थी, आप इसके मुतालिक थोड़ा सी गुफ्तगु कीजिएगा। देखें जी, अल्लाह के फजलो करम से जी जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायदे पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग जी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की नेक नीति की वजह से जी जी उनके अंदर जो जज्बा था कि मुल्क को अमन का गहवारा बनाने का, उसका अमली मुजहरा हमने किया। उसके लिए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया और उनकी तमाम सियासी जमातों के उसमें फैसला किया और कानून साजी करवाई, और कानून साजी करवाने के बाद जो है वो उस पे फौज को और रेंजर को अख्तियार दिए गए, खसूसी अख्तियार दिए गए, जिसमें जो भी मुल्क दुश्मन है बिल्कुल चाहे वो किसी सियासी जमात का आदमी है निकलता है, या किसी के अस्करी विंग बनाए हुए किसी जमातों ने उनके आदमी है, या गैर सियासी है, या दहशतगर्द है, बिला तफरीक वहां अमन चाहिए हमें। ये नहीं ये अच्छे हैं ये बुरे हैं ये सियासी है, वो सियासी क्या उनको सियासी का जो आदमी है उनको क्या सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो किसी सियासी जमात में चले गया तो आप वो जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम करते रहे, ये तो नहीं होता। ये ठीक है कि वो उसमें ज्यादा हाथ पड़ा हुआ है एमक्यूएम को, और एमक्यूएम के जो अल्ताफ हसन साहब है जी जी वो लंदन में बैठे हुए, वो मुख्तलिफ केसेस में वहां भी वो ट्रायल हो रहे हैं, उनके उनकी भी तफ्तीश हो रही है, और अब यहाँ उनके खिलाफ देखे कि कितने मुकदमात लोगों ने दर्ज करवा लिए। तो अगर भाई आप एमक्यूएम के अगर रेट होती है और वहां असला पकड़ा जाता है तो वहां आदमी पकड़े जाते हैं और वो खुद तस्लीम करते हैं कि हमें तो इंडिया से जो है ट्रेनिंग ली है, जो भी आदमी सामने आता है वो कहता है इंडिया से ट्रेनिंग ली है, और वो एमक्यूएम का आदमी है, और किसने उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई है वो एमक्यूएम के आदमी है, पैसे कहां से लगते हैं एमक्यूएम की तरफ से लगते हैं। अब इस बार इनको बता भी नहीं बता वो तो देते ही हैं, ईदी वो ईदी भी नहीं मिली इनको, फतराना जो है वो उसी से फतराने से ही घूमते थे ना जी जी। देखे जी सोर्सेज नहीं होंगे आपके जबान में भी तो आप आपको कोई ये बुलाए ना कि आज संधाई में प्रोग्राम रखा है उसके लिए आप साथ लगाएंगे कर रहे हैं या दो ढाई मान लग रहे हैं पाकिस्तानी 25-30 हजार रुपया, तो आप कोई बहाना बना के भी रहेंगे। अगर आपके हालात अच्छे होंगे आपके पास पैसा 100 मान भी यानी 50 लाख 60 लाख महीने का कमा रहे हैं आप 80 लाख, तो आपको 2-4 हजार 20 हजार खर्च करते कोई अर्ज नहीं, लेकिन हर आदमी की कैपेसिटी तो इतनी नहीं है ना। तो ये बात है कि जो मियां साहब ने वो कदम उठाए और उसके बाद मियां साहब बकायदा कराची का विजिट करते रहे, और हमारे रेंजर के जवानों को मैं इसका क्रेडिट दूंगा, और मैं अपनी पाकिस्तान पुलिस को इसका क्रेडिट दूंगा कि जिनने वहां अपनी जानों के नजराने पेश किए, और वहां चौधरी असलम जैसे जवान उनको भी नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल उसकी उनकी शहादत को भी सलूट करना चाहिए कि उनने अपने जो है वो जानों के नजराने देके तो आज कराची इस सतह पे है कि लोगों ने जो आपने बताया कि बड़े सालों के बाद ईद की खुशियां वापस आ गई लोगों के चेहरों पे, ये खुशियां जो है वो खून की जो है वो कुर्बानियां दे दे के हमारे रेंजर ने और हमारे पुलिस के लोगों ने अपने खून के नजराने दे देकर आज अपनी कौम को चेहरों पे रौनक और खुशियां लेके आए। और अभी तक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने आज भी अपने अगले मोर्चों पे जो है वो ईद मनाई है फौजियों के साथ,
अगले मोर्चों का मतलब है जहां फाइट बिल्कुल आमने सामने है, जहां दुश्मनों के खतरात हैं, हमारा चीफ वहां पहुंचा हुआ है। हमें फख्र है ऐसे चीफ पे, हमें फख्र है पाक फौज पे, हमें फख्र है मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम पे कि जिनने ये ऐसा माहौल बनाया और उन्हीं के दौर में पाकिस्तान को जो है वो सियासी इस्तेहकाम मिल रहा है। उन्हीं के दौर में जब दौर आया तो वो एशिया का टाइगर बनने के नारे लगे और उसके लिए येलो कैप चली और लोगों को इतनी सहूलतें होगी कि लोग बैरून मुल्क नौकरियां छोड़ छोड़ कर पाकिस्तान आना शुरू हो गए थे। और आज फिर वो जो मईशत का इंकलाब लाने का वादा किया ना, वो इंशाल्लाह ताला लोग बातें करते हैं बहुत बहुत, वो पहिया चल पड़ा, वो पहिया अब चल पड़ा है और मईशत की जो है वो तरक्की अब दुनिया देखेगी और पाकिस्तान वाकई अपने वो तमाम जो आगे निकले लोग हैं उनसे आगे गुजरेगा। और ये मियां नवाज शरीफ के जो ये कॉरिडोर जो बढ़ रही है ना, ये सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लाहौर में मेट्रो बस चली है, फिर इस्लामाबाद में चली है, लाखों आदमी को रोजगार दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं जी बिजली की लोड शेडिंग, क्या इतनी लोड शेडिंग होती थी? मैं जब जाता था पीपल पार्टी के दौर में तो हर दो घंटे बाद एक घंटे बिजली आती, एक घंटा जाती, आधा घंटा आती, दो घंटे जाती, एक घंटा आती, तीन घंटे जाती, उधर जीना हराम हो गया था लोगों का। लेकिन अब तो छह से आठ घंटे है लाहौर में, तो पांच चार घंटे भी है हमारे इलाके में, तो ऐसे है कुछ इलाकों में शायद ना हो। तो कराची में के इलेक्ट्रिसिटी वालों का क्या हाल है, वो फीडर ड्रॉप हो जाते हैं। हाँ, तो प्रॉफिट में जा रही है, करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन उसको डेवलप नहीं कर रहे, उनको तरक्की नहीं दे रहे। वो सियासी भर्तियां की हुई है ना, वो हर जगह के की है, कोई एक जगह थोड़ा जी आवेगा आवे बेड़ा, करोड़ों लाखों लेते हैं, रिश्वतें लेते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन लोगों ने। सिंध के हालात भी खराब है, सरहद के भी खराब है, सरहद में इलेक्शन हुए हैं, ये पीछे आपने सवाल नहीं किया। देखे ये इसमें लोगों पे धरनी का इल्जाम लगाता था ये इमरान खान साहब, धरने दिए हुए थे 126 दिन। नहीं वो तो ठीक है, 126 दिन धरने भी दिए, वो उन्होंने कहा मॉडल टाउन का जो वाकया हुआ था 24 लोग मारे गए, इसी बल्दियाती इलेक्शन में जो सरहद में हुए हैं, जो उनकी तादाद ज्यादा है, उनका जिम्मेवार कौन है? हाँ, वो मरने वाले क्या जो है वो रबड़ के बढ़ावे थे जी, वो भी तो इंसान है, उनके भी मुलाए कीन है, वो भी तो मरे हैं, उनका किसकी गर्दन पे है? इमरान खान की गर्दन पे। वो उनके धरना कौन देगा? बिल्कुल, उनका खून जो है वो पीटीआई की गर्दन पे है, इसके तो कोई बात नहीं करता, इधर तो किसी को फतवा नहीं आता नजर। और फिर हर आज इनके अपने वजीर करप्शन में पकड़े गए जी, है जी, वो देखें क्या हो रहा है, क्या चेंज ले आए, ढाई तीन साल हो गया कोई तब्दीली नहीं है, वो ऐसे लोगों को पागल बनाया हुआ था। तो अब यार क्या करना, डिग्री तो डिग्री होती है, इनकी शरीक हजार की डिग्री जल्दी निकल आई है। तो ईद का दिन इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि मैं सियासत करता ही एक महीना नहीं करता, लेकिन महीने के बाद तो करता हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी, जो हकीकत है हमारी, ये रात दिन वेबसाइटों पे मुख्तलिफ फेसबुकों पे इतनी इतनी चीजें लिखते हैं और करते हैं इनके पीडीआई वाले, यकीन करे शर्म आती है, शर्म आती है, शर्म का मुकाम है, कौम की क्या तरबियत कर रहे हैं, क्या इनने अपने नौजवानों को सिखाया है, ये धांधली के प्रोग्राम, ये कतलों घात करी, ये धोखा फ्रेब फ्रॉड, और हॉस्पिटलों में देख ले इनके उधर क्या हो रहा है। तो ये चीजें छोड़े, लोगों को ऐसे चकमे देने से नहीं कुछ भी होगा। मियां साहब ने अमन कैम्प करके दिखाया और कराची में अमन का गहवारा जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, और अभी एक साल का और पीपल पार्टी की हुकूमत ने भी इजाजत दे दी है, और इंशाल्लाह एक साल में मजीद जो है ना सफाई, वो सफाई होगी, बिल्कुल, और सफाई होनी चाहिए, चाहे वो एमक्यूएम हो, कोई भी, चाहे वो मुस्लिम लीग का वहां को आदमी हो, चाहे पीपल पार्टी का हो, जमात इस्लामी का हो, सफाया करे, बिल्कुल। ये बड़े बड़े को हाथ डाले, ये जितने बड़े बड़े है ना इनको भी डाले हाथ, कोई मैं तो ये कहता हूँ कि बड़ी खुशी की बात है, और बड़ी देर बाद मतलब ये माहौल बना है, और इसका सबको जैसे पहले जिक्र किया फौज को, रेंजर को, पुलिस को, सबको इसका खराज तहसीन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए,
और पीर पार्टी के वजीर आला जो है कायम अली शाह साहब, उन्होंने भी एक साल पीरियड दिया है सफाई के लिए। तो ये भी चाहे वो सोते हैं चाहे जागते हैं, जब जागता है जाग पड़े हैं, शायद जगाया गया है, ठंडे पानी के छींटे लगा के उनको जगाया गया है कि भी आप जागे। सो बहुत भी पंजाब में तो फारिग कर दिया वो बटू को बढ़ा के ना जी अपना सदर जी, तो उसने तो पार्टी के बेड़ा गर्क कर दिया ना। फिर पार्टी तो पंजाब में बिल्कुल सवाया हो गया, जो लोग रहते थे इधर उधर वो सारे को पीडीए में चला गया, नूंगली में चला गया, वो काफी पहले कोई नहीं थी। तो अगला मुकाबला जो होगा वो तो दूब दू होना है मुस्लिम लीग नून का और तरीके इंसाफ का, मैं सीधी सी बात करता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट फिर हमारी होनी है इंशाल्लाह, और मियां नवाज शरीफ फिर चौथी बार भी वजीर आज़म पाकिस्तान बढ़ेंगे, क्योंकि वो जो ख्वाब है ना अल्लाह ताला ने मियां साहब के ही जरिए पूरा करवाना है, करवाना है। इस मुल्क में जो तरक्की का पहिया चलना है ना वो इंशाल्लाह वैसे ही चलना है। हम ना देख सके हमारी नस्लों ने ये जापान जो ये हम देख रहे हैं है। वो हमारी नस्लें अपने मुल्क में देखेंगी। आज उसके बाद आज से कोई 10-15 साल बाद कोई पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि मैंने यूरोप का रुख करना है, मैंने जापान का रुख करना है। हमारा मुल्क इंशाल्लाह वैसा बनेगा जो आज यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब भी कारोबारी मौके इतने ज्यादा हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल बहुत से कारोबारी मैं जापान के जानता हूँ, वहां चले गए हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, और पाकिस्तान जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा है ना, जो लोग जापान के इधर रह के पैसा कमा के उधर को प्रॉपर्टियां बनानी चाहिए काम करना, उनके बस में नहीं रहा, नहीं बस में रहा, इतना ज्यादा उनका देखे पैसा कितना स्ट्रॉन्ग है। गाड़ियों में प्रॉपर्ट जो वहां पाकिस्तान में सेल हो रही है, पैसे की वैल्यू पाकिस्तान की सर्कुलेशन बढ़ गई। ये भाई बिजली तो कब अराउंड 2017 में खत्म हो जाना जी, और ये बिल्कुल आइंदा आने वाले वक्त में, जैसे अभी सिग्नेचर हो गए चाहे इनके ईरान के, ईरान के उसके साथ हमारी गैस पाइपलाइन भी आ गई, तो गैस की भी कमी पूरी हो जानी है, सस्ती गैस मिलनी है, बिजली भी पैदा करे सब कुछ, ये हर चीज की रेल पेल हो जानी है इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ के दौर में ही तरक्की की मनाजर को तय करते हुए ये एशिया का टाइगर बनना है, और बढ़ रहा है, अब पहिया चल पड़ा है और चलता नहीं दौड़ता पहिया, बिल्कुल हाँ जी ये दौड़ रहा है। जिन लोगों ने खाना पीना था वो फारिग, अब मत ख्याल करें नहीं, नहीं। और पीडीआई वाले तो सोचे भी ना, ये छोड़ दे बातें, ये गई इनकी बातें, ये हम लोगों को पता चल गया। इनके इतने कारकुन हमारी तरफ आ रहे हैं, लाहौर में मैं गया था उस वक्त भी काफी लोग छोड़ छोड़ के मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहे थे, और बहुत से इनके जो पुराने थे ना वो चूंकि उनने बाबो बूबे ले आए हैं मुस्लिम पार्टियों के, सब वो लोग थे जो पार्टियों से निकाले हुए थे, निकाले और फिर इलेक्शन भी इनका खराब हो गया, उनके इलेक्शन की वजह से कह दिया, अब तो ये फारग हो गए हैं, अब पिटी गई है पीटीआई, और शेर रशीद भी पिटाया गया, वो भी नहीं होता तो नामो निशान नहीं है, तो ऐसे मिटते हैं नामो निशान इन लोगों के। तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले से भी ज्यादा जो है वो वोटों से जीतेगी अगली बार आम इंतखाबात में जब हम जाएंगे, तो मुल्क में रेलें भी चल रही होंगी, मुल्क में जनाब कॉरिडोर भी मुकम्मल हो चुकी होगी, मुल्क तरक्की की मनाजर भी तय कर चुका होगा, और यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले काम कर रहा होगा इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में कैपेसिटी बहुत है, जो स्ट्रेंथ है ना हमारा, जो मजदूर है वो मेहनती है, हमारे कौम में नॉलेज बहुत है, हमें अंडरस्टैंडिंग की पिक बहुत है, हम लोग जो है ना एक जफाकश कौम है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में खजानों की इतनी मादनियात दी हैं, इतना सब कुछ दिया है, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है बेईमानी की और एजुकेशन की। इस कौम में ये दोनों चीजें अगर आ जाए तो ये कौम दुनिया की बेहतरीन कौम होगी इंशाल्लाह, ऐसे ही होगा। राना साहब ईद पे आपसे गुफ्तगू हुई, बहुत मजा आया। नाज़रीन ईद के लम्हात हैं, खुशियां बांटते रहिए, मोहब्बतें तकसीम करिए, नफरतों को ख़त्म कीजिए। राना साहब देखें जिस तरह अपने मुल्क से वालहाना प्यार करते हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, आप लोग भी कीजिए। इस दुनिया में सिर्फ ये मोहब्बतें हैं, ये प्यार है, ये सब कुछ है। हम दियार गैर में बैठे हैं, एक दूसरे से कब मिलते हैं कब नहीं मिलते,
लेकिन इनमें मोहब्बत और इत्तफाक होना चाहिए। ईद के मौके पर राना साहब को खास पैगाम इस कम्युनिटी के नाम जो आप देना चाहते हैं। पैगाम तो आपने दे दिया जी, आप कोई और आप... मेरा पैगाम है पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे कि हम अपने नजरियाती इख्तलाफ बरकरार रखें, जैसे भी हैं अपने अपने नजरिए के साथ जो है मुखलस रहे, लेकिन अखलाकियात को मत छोड़ें। बिल्कुल, वो किसी को गाली निकालना, किसी लीडर को गाली निकालना, किसी आपस में गालियां निकालना, गालियों जैसी खबरें लगाना, एक दूसरे इख्तलाफ रखें लेकिन उसके इख्तलाफ अपना जो है बयान करें अपना नजरिया, लेकिन इखलाकियात में रहते हुए इख्तलाफ भरपूर तरीके से करें। मेरे सबके साथ पीडीआई वाले पीएम पार्टी वाले सबके साथ तलकात अच्छी है, रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन वो उनकी पार्टी का नजरिया उनका काम है उसके साथ चले। मैं तो ये तो नहीं कि मेरा वो दोस्त है तो मेरे से अच्छे तलकात हैं तो मैं अब उसकी मतलब मुखालफत छोड़ दूं, वो तो फिर मैं अपनी पार्टी के साथ मुखालफत नहीं हुआ, वो तो फिर मैं भी मुनाफ़त शुरू कर दी। इसलिए मैं अपनी पार्टी का मौकफ जरूर बयान करना, और मुझे इसलिए बयान करना कि मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भी वो शख्सियत है कि जो मुल्क में अच्छे तरीके से अमन मान भी ला सकते हैं, अमन का गहवारा बना सकते हैं, मुल्क को तरक्की करा सकते हैं, और इन्हीं की गवर्नमेंट जो है वो सबसे बेहतर हुकूमत के तरीकाकार को समझती है और कर रही है। मीडिया वाले टेलीविजन वाले एंकरों वाले जो मर्जी करते फिरे, ये तो इनकी अपने अपने जो मुफादात है उसके मुताबिक ये बात करते हैं। मैं एक ही मैसेज दूंगा पूरे जापान की कौम को, दोस्तों को, कि भाई जहां जहां हो जिसके साथ हो उसके साथ मुखलस होके रहो, लेकिन दूसरों से रिश्ते खत्म ना करो, सबसे मिलो, खंदा पिशानी से तस्वीरें बनवाओ, सब मस्जिदों में जाओ, सब मस्जिदों को मुख्तलिफ जो फिरकाबंदियां हैं इसके अंदर मत पढ़ो, अपनी कौम अपने खानदान को पसंद करो, उनमें बैठो, लेकिन उसको जो है वो तसब मत बनाओ, किसी के कौम को बुरा मत करो, किसी को के लिए जाती आद पे मत जाओ, तो उसके अंदर रहते हुए अखलाकियात में रहते हुए और अपने जो है वो इस नस्बुल आयन के ऊपर चलते रहे कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम एक कौम हैं और हम सब एक हैं, और 14 अगस्त भी इकट्ठे मनाएं, और मेरी कोशिश होगी कि 14 अगस्त इस बार भी एक बार, उस वक्त हमने कराया था 2009 में, और इस बार भी मेरी कोशिश होगी, मेरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि उसमें सबको बुलाऊं, पीडी भाई वाले भी आए, अहमद सिंह भट्टी साहब भी आए, इसमें पीओ पार्टी के भी आए, नईम गनी राय साहब भी आए, अपना सारे आए, मुस्लिम लीग के भी आए, ये हमारा मुल्क की इंडिपेंडेंस डे है, शमा साहब भी आए, अबद साहब, अपना आर्य मलक नूर साहब भी, हम सजाते हैं, सब मिलके आ जाए बैठे बोले 14 अगस्त पे एक स्टेज पे, किसी को के साथ जाती नहीं होगी, सबको इज्जत देंगे, सब बोले वहां आगे, बिल्कुल मुझे कोई इकरार नहीं, मकसद और कॉज एक है। हाँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ कि एक स्टेज पे आ जाए बैठे, सबको मौका मिलेगा अपने अपनी स्पीच करे, तकरीर करे, अपना दो दो हर तंजीम का दो दो आदमी को स्पीच का टाइम दे देते हैं, और ये नहीं कहते 5 मिनट करें 10 मिनट करें, जितना दिल का काम करें, लेकिन मुसबत करें, मुल्क से मोहब्बत की करें, 14 अगस्त उस दिन की मुनासबत से करें। हाँ, अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा है मेरा पैगाम, ये 14 अगस्त मिलके मनाएं, तो मुझे जरूर इसका जो है वो रिस्पांस भी दे इंशाल्लाह। हाँ, अजीम ये फीडबैक जरूर दीजिएगा इंशाल्लाह, आपसे अब ये सिलसिला जारी रहेगा खरी खरी गुफ्तगू का भी। राना साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ईद पे आपने हमें याद किया, हम आपके पास आए, और खास तौर पर इस मुद्दे पर जो प्यारी प्यारी बातें इस कम्युनिटी के लिए, जो मोहब्बत और इत्तफाक की बातें आपने की है, अल्लाह ताला हमें नजर बद से बचाए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हम आपसे मुलाकात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह मैं भी जी आखिरी इनका शुक्रिया अदा करके ज्यादा चाहूंगा कि ये मेरे घर पे आज तशरीफ लाए, और हमने मूड कोई नहीं था प्रोग्राम का, लेकिन हमने सोचा कि चले इसी माहौल में गुफ्तगू भी होती रहेगी, प्रोग्राम कर लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं है, कुछ बातें अगर सख्त किसी को नागवार गुजरी या कुछ हुआ तो वो मैं अपने नजरिए के मुताबिक और अपनी सोच के मुताबिक कही है, आप लोगों का जो नजरिया सोचो
آپ اس کے مطابق اگر میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے قبول ہے اور رسپانس ضرور دیں. بہت شکریہ.